और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। श्रीलंका में जनता ने विद्रोह कर दिया है। राजधानी कोलंबो में हजारों लोग अब भी सड़कों पर जमे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे का घर जला दिया है। इसके साथ घर में तोड़फोड़ भी की है। उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार के मंत्री बंडूला गुणावर्धने ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बन सकती है, जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति गोटाबाया ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति गोटाबाया। ये अपडेट इस पूरे मामले में फिलहाल मिल रही है। तो वहीं लोगों के आक्रोश के बाद अज्ञात जगह पर गोटाबाया गए हैं। ये जानकारी किसी को नहीं है कि वो कहां पर छिपे हुए हैं। राष्ट्रपति भवन पर भी अब भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि कल जब जनता का आक्रोश सड़कों पर देखने के लिए मिला तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच किया गया। जो प्रदर्शनकारी थे वो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में घुसे। और बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे अमरनाथ में लापता श्रद्धालुओं की तलाश कहां तक पहुंची है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बकरीद पर आज देशभर में कहां कहां अलर्ट है। लेकिन सबसे पहले देखें देश दुनिया की खबर एक मिनट में। पहले बात श्रीलंका की करेंगे। श्रीलंका में हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। जनता इतने गुस्से में है कि उसने प्रधानमंत्री का घर तक जला दिया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। श्रीलंका में आर्थिक संकट और आसमान छूती महंगाई के खिलाफ जनता के आक्रोश की ये तस्वीर है। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे का घर जला दिया। आग में जलकर श्रीलंकाई पीएम का घर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ये पीएम रनिल विक्रमसिंघे का निजी घर था। इससे पहले हजारों की तादाद में श्रीलंकाई जनता पीएम के घर के बाहर जमा हुई। ये लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प भी हुई। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और उसने पीएम विक्रमसिंघे का घर जला दिया। इस बीच खबर है कि रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे गोटाबाया ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। गोटाबाया ने संसद के स्पीकर को बताया है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल से लेकर पूरी रात तक कोलंबो में हजारों प्रदर्शनकारी डटे रहे। तो श्रीलंका में जन विद्रोह की आग लगातार फैल रही है। अब राष्ट्रपति राजपक्षे गोटाबाया ने इस्तीफे की पेशकश की है। यकीनन आपने इससे पहले ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। ये श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन है, जिस पर इस वक्त श्रीलंकाई जनता का कब्जा है। सीढ़ियों से लेकर राष्ट्रपति भवन के ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में श्रीलंका के झंडे हैं। कुछ लोग तो राष्ट्रपति भवन के बाहर लगी इस मूर्ति के ऊपर भी चढ़ गए हैं। श्रीलंका में जनता का गुस्सा सरकार पर जमकर निकल रहा है। प्रदर्शनकारियों के कोलंबो मार्च में हजारों लोग शामिल हुए। कोलंबो की सड़कों से होते हुए भीड़ राष्ट्रपति भवन तक पहुंची और वहां कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति भवन के पास एक बिल्डिंग से ली गई इस तस्वीर को देखिए। जहां तक नजर जा रही है पूरी सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कैमरा दूसरी तरफ घूमता है तो यहां भी सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आती है। इसके बाद कैमरा राष्ट्रपति भवन की तरफ घूमा तो यहां भवन की छत पर खड़े प्रदर्शनकारी नजर आए। हाथों में झंडा लिए एक प्रदर्शनकारी तो राष्ट्रपति भवन की दीवार पर ही खड़ा हो गया। तो वहीं देखिए श्रीलंका में हालात आज और बिगड़ सकते हैं। हजारों प्रदर्शनकारी अब भी राजधानी कोलंबो पहुंच रहे हैं।